आज के वीडियो में बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे, चिंता छोड़ो चिंतन करो। चिता दहति निर्जीवम, चिंता दहति सजीवम। कलयुग में लोग चिंता से परेशान हैं, बैठे बैठे चिंता करते रहते हैं, जो सजीव को जलाता है और चिता तो निर्जीव को जलाता है। तो आइए देखते हैं एक महाभारत की कथा। जो सर्वस्व भगवान पे छोड़ते हैं, उनकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने ताना मारा भीष्म पितामह से कि आप कुछ कीजिए। तब भीष्म पितामह ने विराट प्रतिज्ञा किया कि कल मैं अर्जुन को और पंच पांडवों को खत्म करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा से सब घबराए, क्योंकि ये गंगा पुत्र भीष्म की प्रतिज्ञा थी और जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। यह सुनकर कृष्ण भगवान को तो चैन नहीं आया, रात को निद्रा भी नहीं आई। भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर अर्जुन की क्या दशा हुई होगी, यह सोचकर भगवान कृष्ण अर्जुन के स्थिति को देखने आए। जाकर क्या देखते हैं कि अर्जुन तो शांति से गहरी नींद में सो रहा है। भगवान ने सोचा कि भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा की है और ये शांति से सो रहा है। उन्होंने अर्जुन को जगाया और पूछा, तुमने भीष्म की प्रतिज्ञा तो सुनी ही होगी। कृष्ण ने कहा, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी चिंता करने वाला मेरे स्वामी आप ही तो हो, यह मैं जानता हूं, इसीलिए शांतिपूर्वक शयन कर रहा हूं। अगर आप मेरी चिंता करोगे तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। इस तरह हमें भी भगवान को समर्पण करते हुए अपनी चिंता को भगवान पे अर्पण कर देना चाहिए, निश्चिंत रूप से जीवन व्यतीत करना चाहिए। बाद की कथा आप जानते ही हैं कि स्वयं कृष्ण भगवान ने एक ऐसा तरकीब बताया जिससे वो पांचों तीर भीष्म पितामह से मांग लिया गया और पांडवों की जान बच गई। इस तरीके से हमें अपना बहुमूल्य समय चिंता नहीं करके परंतु परमात्मा की चिंतन में व्यतीत करना चाहिए। तो चिंता छोड़ें और चिंतन करें। मैं हूं डॉक्टर सौरभ चौधरी, योर एंशिएंट इंडियन वैदिक एम्बेसडर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे फ्री ऐप को डाउनलोड करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।